हेलो, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है गगनदीप सेखों अते तुहाडा सारिआं दा स्वागत है श्री गुरु रामदास कोचिंग सेंटर वल्लों। दोस्तो, कंसैप्चुअल वीडियो है जो तुहानूं मैं पहलां दे दित्ती है एलसीएम दी, अते जेकर नहीं देखी तां उसनूं जरूर देखना। अते अज आपां गल करांगे उस तों अगे जो कि है इस ते एमसीक्यू बेस्ड इह वीडियो होवेगी। तां तुहानूं मैं दस देवां, जेकर तुसीं न्यू व्यूवर हो तां वी तुसीं एलसीएम नूं समझ जाऊंगे, अते जेकर पुराने हो तां समझ जाऊंगे ही। तां दोस्तों, एलसीएम दे विच हुंदा की है, एलसीएम दे विच ये हुंदा है कि जो कट्टिया जावे अते जो कट दवे, जो कट्टिया जावे वो एलसीएम हुंदा है, जो कट दवे वो की हुंदा है, एचसीएफ हुंदा है। एलसीएम हमेशा साडा की है उपर आउंदा है अते एचसीएफ साडा थले हुंदा है। अते दूसरी गल ये है कि जेकर असीं फैक्टर करते हाँ, क्योंकि एलसीएम दे विच फैक्टराइजेशन हुंदी है, जेकर असीं 12 दे फैक्टर बनाउणे हन तां 2 दूनी 4 3 12, 2 2 ते 3 हुंदा है, इक दूआ हुंदा है, दूजा भी दूआ हुंदा है, तीजा तीआ हुंदा है, तां 2 दूनी 4 3 12 हुंदा है, ते दूसरा 18 है, तां 3 3 ते की है 9 दूनी 18, मतलब 3 3 ते 1 2 होवेगा, तां की है वो होवेगा, जेड़ा डिफरेंट होवेगा ते वड्डा होवेगा उही साडा कढ लेना है दोनों चो, तां एलसीएम हो जाएगा। तां दोस्तों, अज जो वीडियो है ये एमसीक्यू बेस्ड है, तां पहला क्वेश्चन है, असीं पहले क्वेश्चन ते चलदे हां। दोस्तों, जेकर ये ना समझ आवे तां तुसीं पहला वाली वीडियो देखना, कंसेप्चुअल वीडियो जो दित्ती हुई है प्लेलिस्ट विच चले जाना, उत्थे जाके देख लेना, अते तुहाडा ये सम इजली निकल जाएगा। वैसे तां इजली जेकर तुसीं फर्स्ट वार देख रहे हो वीडियो, तां वी तुहानूं पता लग जाएगा इस दे विच कंसेप्ट है, दस्सिआ जाएगा की हो रहा है। तां दोस्तों, गल कर रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 24 60 ते 150। तां आपां ये नहीं देखते, ये मैटर नहीं करता भी ये किस पेपर विच पूछा गया है, बट ये मैटर करता है कि जेकर पेपर विच पूछा जाएगा तां साडी स्ट्रैटेजी की होनी चाहिए है। तां देखो दोस्तों, एलसीएम पूछा है, एलसीएम की गल हुई है 18 24 60 ते 150। तां देखो इसका एलसीएम करना है, एलसीएम विच असीं की करते हाँ, जां तां की करते हाँ डिफरेंट लैने हाँ ते जां वड्डा लैने हाँ। तां देख लैने हाँ, वड्डे की गल हो गई तां असीं सानूं पता लग गया कि 150 की है, एक वड्डी रकम है। तां दोस्तों, जो मगर जीरो है, जीरो नूं तुसीं सीधा ही देख लो, जीरो का मतलब हुंदा है 10, मतलब कि दो फैक्टर ही हुंदे हन, 10 दे विच इक 5 हुंदा है ते इक 2 हुंदा है, बाकी रह गया 15, तां ये की हुंदा है 5 तीए 15 हुंदा है। तां ये सारे फैक्टर जो आपां कीते हन ये 150 विच हुंदे हन। तां इत्थों सानूं पता लग गया 1 5 ते 2 5 किन्ने हो गए दोस्तों, 25 हो गया, 1 25, 1 3, 1 2, ये की हो गया 150 दे फैक्टर हो गए, इस विच 25 है, 5 तो वड्डा की हुंदा है, 25 तो वड्डा 125 हुंदा है। तां एलसीएम विच असीं ये देखना है। दूसरा है 12 5 60, तां एक चार एक तीन चार तीए 12 5 60, ये आ गया 8 3 24 ते 9 2 18। देखो दोस्तों, इन्हों का एलसीएम करना है तां असीं की क्या है, मैं तुहानूं पहलां दस्सिया है कि जां तां वड्डा लैना है जां डिफरेंट लैना है। तां देखदे हाँ इन्हां दे विच असीं देखिया कि 25 की पिया है, वड्डा पिया है, तां असीं 25 लै लिया। हुण असीं 5 वल नहीं जाणा, हुण असीं देखदे हाँ 2, 2 तों वड्डा की पिया है 4, 4 तों वड्डा की पिया है 8, तां एस 2 नूं भी कट दो, एस 4 नूं भी कट दो, तां एस 2 नूं भी कट दो, क्योंकि वड्डे दा मतलब की है 8 दे विच भी 2 2 2 3 वारी आया है, 4 दे विच 2 2 2 वारी आया सी, 1 1 तां साडे कोल पिया, तां वड्डा की हो गया साडे कोल दोस्तों 8 हो गया, ते रह की गया 3 रह गया, 3 3 3 तो वड्डा की पिया है 9 पिया है, ये की आ गया साडा एलसीएम आ गया। हुण सानू इस दी गुणा भी करनी होनी चाहिए है, तां दोस्तों 8 9 72 ते 25 ना कर देना, तुसी सीधा ही कहना है 25 8 किन्ना हुंदा है 200 हुंदा है, 200 नू 9 नाल गुणा करगे तां किन्ना हुंदा है साडा 1800 की आ गया,
आंसर आ गया। तो इस तरह एलसीएम करना है, पेपर दे विच जेकर आ गया ए 18 दिन विच काम करता है, बी 24 दिन विच काम करता है, सी 60 दिन विच काम करता है, डी 150 दिन विच काम करता है, तो असं टोटल एलसीएम लवेंगे। तो उस तो बाद की है काम करेंगे, टाइम एंड वर्क का तुम्हें मैं करवाया है, तो तुम उत्थे भी एलसीएम बेस्ड कर सकते हो। तो मैं इस तो अगे क्वेश्चन लेके आऊँगा एलसीएम बेस्ड ही लेके आऊँगा जिन्हें भी होंगे। ये की होंगी है, एक ट्रिक होंगी है, बट मैं इसनों ट्रिक नहीं कहता, मैं इसनों रूल कहूँगा। तो दोस्तों ये सी पहला क्वेश्चन, आई होप तुम्हें पता लग गया होगा कि यह किस तरह होया है। उस तो अगे देखो दोस्तों, जेकर वीडियो वधिया लग रही है तो वीडियो में लाइक कर दो, तो वध तो वध शेयर कर दो, ता जो ये सारे नूं पता लग सके। उस तो अगे है दोस्तों, फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.6, 0.6, 9.6 एंड 0.36। 0.6, 9.6, 9.6 आ गया एंड 0.36। इन्हों का भी असं एलसीएम पता करना है, तो की है इतने की है पॉइंट लगे हुए हैं, तो असं बिल्कुल भी नहीं घबराना। तुम्हें देखना है पेपर के जिस च पॉइंट तो मगरों ज्यादा अक्षर हैं असं उसनों ही लेना है, अते जो रकम दिती हुई है असं मतलब है पॉइंट के मगर जिने अक्षर हैं उन्निया ही जीरोआं लगा देनिया हैं दूजे दे मगर। जेकर इस पॉइंट के मगर दो अक्षर हैं मतलब कि पॉइंट तो बाद दो जीरो हैं, तो असं देखना है ये की है पॉइंट तो बाद एक अक्षर है, तो दो जीरो होनिया सन, तो एक अक्षर नहीं है उत्थे की असी जीरो लगा दी। 9.6 है तो 960 कर दिता, ये तो 36 है ही, ना सिंपली रकम बन गई साड़ी 36 बन गया। तो दोस्तों इतने की है असी हुण लेना है इसका एलसीएम, तो तुहानू मैं दस्या है जीरो नू देखते सार ही असं की कर देवे 5 और 2 लिख देवे, रह गया 96। तो 96 की होंदा है, 12 और 96 हो गया, तो 12 और 8 किन्ना हो गया, 96 हो गया। 12 दे विच भी साडा की पिया है, 4 3 12 हुंदा है, ते 8 5 2 आ गया। तो दोस्तों देखो इन्हें विच की है, एक 4 भी है, एक 8 भी है, एक 2 भी, 8 चौका 32 दूना किन्ना हो गया 64, मतलब की है सारे का किन्ना बन गया 64 भी हो गया, एक तो 64 हो गया, ठीक है। फिर की आ गया साडा, एक 3 बच गया तो एक रह गया 5, मतलब की है इन्हें तिना की 5 3 15 64 करके तो 960 आता है। इतने देखते हाँ असं 9 चौका 36, इतने की है 5 ते 2 तो आ ही जाने, 0 देखते सार ही असं 5 ते 2 ला लेना है, ते 3 दूनी 6। हूँ इतने गांह देखते हाँ असं वड्डा ते डिफरेंट, वड्डा की है 64 पिया है, सारे विच दो दो ही हैं, तो की है असी दोस्तों 64 की करना है ले लेना है। उस तो बाद की करना है असी, इतने 3 पिया है, इतने 3 पिया है बट इतने 9 पिया है, तो असी 9 नू लेना है, वड्डे अक्षर नू लेना है, असी छोटे नू नहीं लेना। उस तो बाद की है 4 नू तो असी लेना ही नहीं, 5 इतने पिया है, 5 ही इतने पिया है, तो असी 5 नू भी ले लेना है। तो इस नूं असीं गुणा कर दिंदे हाँ, 9 5 किन्ना हो गया 45 हो गया, जां की है असीं इस नूं इस नाल गुणा कर दिंदे हाँ, 9 चौका किन्ना हो गया 36 हो गया, 36 3 9 6 54, 54 3 3 किन्ने हो गए 9 चौका 36 3 9 6 54, 3 किन्ने हो गए 57 हो गए। गुणा की करना ही असी 5 करना सी, तो 5 करने के लिए सानू की है 6 5 30 3 7 5 35, 35 ते 3 किन्ने हो गए 38, 3 5 5 25, 25 ते 3 किन्ने हो गए 28।
280 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਓਨੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅੱਖਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਇੰਡ ਦੀ ਐਲਸੀਐਮ ਆਫ 9/2, 3 ਐਂਡ 2/21/2। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ 3/2 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਾ HCF ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 9/2, 3 21/2, 3 ਤੇ 21/2। ਤਾਂ 3 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 3/1 ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਐਲਸੀਅਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖ ਦਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2, 2 ਤੇ 1 ਤਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 2 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਬਾਕੀ 'ਚ 2, 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ HCF 1 ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ HCF ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 7 3 21 ਹੈ, 3 ਹੈ 9 ਹੈ, 3 3 ਤੇ 9, 9 ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 9 7 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, 63/1, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, 63 ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।